देखिए पहला नाम जो है वो है इंफ्रास्पेसी कंपनी, कंपनी का नाम है ड्यूकॉन इंफ्रा। इस कंपनी को की हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, 2013 से कंपनी दिखाई पड़नी शुरू हुई है। 92 का ऑल टाइम हाई है, 5.5 रुपए के स्तरों पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। आज तेजी भी देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब इसमें ट्रेड हो रहा है, लोग अभी भी बड़े इंटरेस्टेड है। करीब 110 करोड़ रुपए के आसपास कर्ज है, 10 करोड़ रुपए का सालाना ब्याज भरती है और यहाँ पे घाटा नहीं है, मुनाफा है। 6 करोड़ रुपए का ये मुनाफा अर्न करती है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के एंड में था। इस वित्तीय वर्ष में अब तक सिर्फ 85 लाख रुपए से मुनाफा अर्न किया है। करीब 93% अपने हायर लेवल से टूट चुका है, लेकिन क्रूशियल चीज ये है कि प्रमोटर का करीब 18% हिस्सा गिरवी है। कुल 68% प्रमोटर की हिस्सेदारी है और ये घटा रहे हैं। पहले 70 के ऊपर थी, फिर 70 के थोड़ा नीचे आई, अब 68 आ चुकी है। तो यहाँ प्रमोटर अपना स्टेक घटा रहे हैं, तो ध्यान से इसके ऊपर आप नजर रखें। करीब 92 रुपीज का ऑल टाइम हाई था और अब ये 5.5 रुपए के आसपास आ चुका है, 94% के आसपास वैल्यू अपनी इरोड कर चुका है। ब्याज लागत इनकी लगातार बढ़ रही है पिछले 5 साल के दौरान। ऑपरेटिंग मार्जिन इनके प्रेशर में आ रहे हैं, हालांकि भी पॉजिटिव में है लेकिन नेगेटिव में नहीं गए हैं, प्रेशर में जरूर आ रहे हैं। और इनकी जो आय की स्थिति है वो बेटर हुई है, मुनाफे की स्थिति बेटर हुई है, लेकिन फिर भी ब्याज लागत बढ़ रही है। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। कोई भी अगर निवेश करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करें। इसके अलावा एक और नाम है पेरेंटरल ड्रग्स। ये नाम बहुत क्रूशियल है कि SMS में सबसे ज्यादा नाम इसी का ही सुनने को मिलता है हाल फिलहाल में। 400 रुपए का ऑल टाइम हाई है और 3 रुपए के स्तरों पर अभी कामकाज कर रहा है। 110 करोड़ रुपए का कर्ज है और इसके आंकड़ों के लिहाज से 96 करोड़ का ब्याज भरती है 100 करोड़ के कर्ज पे। हालांकि कर्ज इनका पिछले साल तक 500 करोड़ था, तो शायद उसको एडजस्ट करेंगे तो इसीलिए 96 करोड़ का ब्याज दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा 148 करोड़ रुपए का सालाना घाटा पोस्ट करती है, तो एक बड़ी भारी मात्रा में घाटा है और बड़ा भारी इनके ऊपर कर्ज भी है। प्रमोटर का 100% हिस्सा गिरवी है, यानी कि 73% जो प्रमोटर का स्टेक आपको दिखाई पड़ रहा है वो पूरा का पूरा गिरवी रखा हुआ है। इसके अलावा शेयर अपने हायर लेवल से 99% वाइप आउट हो चुका है, 400 रुपए का ऑल टाइम हाई है और करीब करीब 3-4 रुपए के स्तरों पर शेयर अभी कामकाज कर रहा है। 5 साल से इनकी स्थिति बहुत खराब है, 5 साल से कंपनी घाटे के अंदर है, 5 साल से इनकी आय घटकर सिर्फ 20% रह गई है और सबसे बड़ी चीज कि इनकी वित्तीय स्थिति इसलिए खराब है, आय घट रही है, घाटा बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन नेगेटिव है, हर स्थिति में वीक साइड दिख रही है। कोई भी निवेश करते हैं तो वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करें। चलिए इन दो स्टॉक्स से बिल्कुल परे रहें, आपके अगर पोर्टफोलियो में हो तो उनको चेष्टा करें कि उससे बच के रहें। पेरेंटरल ड्रग्स और ड्यूकॉन इंफ्रा फिलहाल आपको आज इसमें भी 5% का ऊपर का सर्किट देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे